हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पिनिकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से मानी जाती है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? ऑप्शन ए क और ग, ऑप्शन बी अ और आ, ऑप्शन सी फ और भ, ऑप्शन डी द और छ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क और ग। अगला प्रश्न, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ऊष्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाप्राण। अगला प्रश्न, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ह। अगला प्रश्न, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए ख और घ, ऑप्शन बी क और च, ऑप्शन सी य और र, ऑप्शन डी त और द। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ख और घ। महाप्राण क चटतप वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? ऑप्शन ए वर्ण की मात्राएं, ऑप्शन बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ऑप्शन सी ध्वनि का परिमाण, ऑप्शन डी वर्णों का क्रम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। अगला प्रश्न, तालव्य वर्णों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न, क्ष वर्ण किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न, वर्णमाला कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न, जीभ द्वारा श्वसन के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न, ओ और औ का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए औष्ठ्य, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी दंत्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ। अगला प्रश्न, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न, ष वर्ण है? ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी कंठ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूर्धन्य। अगला प्रश्न, ए और ए का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालव्य, ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंठ तालव्य। अगला प्रश्न, क्ष वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए क और छ, ऑप्शन बी क और श, ऑप्शन सी क और च, ऑप्शन डी क और छ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क और श। अगला प्रश्न, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए नासिक्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी तालव्य।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दंत। अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो आप सभी का होमवर्क है, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका सही उत्तर देना है। प्रश्न है, ग में री की मात्रा लगाने पर ग का रूप होगा ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी रग, ऑप्शन सी ग्री, ऑप्शन डी ग्र। और सभी परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट को। थैंक यू।